रावत जी ने जो चीजें उठाई हैं खासतौर से सरकारी अकादमियों के बारे में, ये तथ्य किसी से छिपा हुआ नहीं है जो उनकी स्थितियां हैं। उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो तथ्यपूर्ण हैं। मैं इसलिए यहाँ आया क्योंकि मैंने 1.5 महीना पहले हिंदी अकादमी में उपनिदेशक का काम संभाला है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पक्ष रख दूँ, क्योंकि आपने जो बातें कही हैं वो 1 से लेकर 1000% तक सत्य है। और जो हमारी बहन ने बात कही है वो भी सत्य है कि वो उद्घाटा और केदार मानस के लिए 100 रुपये की मांग कर लेते हैं। योजनाएं वहाँ बहुत सारी हैं, और ये भी सच है कि पिछले 3 साल से ना तो किसी पुस्तक के प्रकाशन में मदद दी गई, न किसी साहित्यकार को सम्मानित किया गया है, न कोई किसी कॉन्फ्रेंस या आयोजन के लिए मदद वित्तीय मदद दी गई, ये भी सत्य है। मैं छोटी सी प्रार्थना ये करना चाह रहा हूँ कि 1.5 महीना पहले मैं अकादमी में आया हूँ और वहाँ योजनाओं की कोई कमी नहीं है। आदरणीय वीणा पाणी जोशी जी यहाँ बैठी हैं, वहाँ योजनाओं की कोई कमी नहीं है, नियमों की कोई कमी नहीं है, और ये संयोग की बात रही कि पैसे की भी कमी नहीं है। पैसा भी पिछले 3 साल से अलग अलग कारणों से सरकार को वापस किया गया है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि जब तक साहित्यकार उन सारी संस्थाओं को अपनी संस्थाएं मान के व्यवहार नहीं करेंगे, जब तक वहाँ लगातार नियमित आवाजाही नहीं करेंगे, जब तक उन संस्थाओं पर दावेदारी नहीं करेंगे, जब तक उन संस्थाओं का निर्देशन मार्गदर्शन नहीं करेंगे, वो संस्थाएं ऐसी उपेक्षित और उदास पड़ी रहेंगी। वहां कोई 3 साल के आएगा, कोई 5 साल के आएगा, अपना समय पूरा करके चला जाएगा। मुझे नहीं पता कि क्या वजह रही होंगी, लेकिन पिछले 1.5 महीने में कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन मैंने उठ के सुबह 8, 10, 12 लोगों को फोन ना किया होगा, साहब यहाँ अकादमी है, मैं आया हूँ, आप ही कुछ बताइए यहाँ क्या किया जा सकता है। और पिछले 1.5 महीने में एक अभी कॉन्फ्रेंस कराई जिसमें प्रदेश भर से 35 ऐसे बच्चे आए जो PhD कर रहे हैं हिंदी में या हिंदी माध्यम से। तो मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि या तो मई तक का टाइम दे दीजिए मुझे, या तो मैं आपसे आके माफी मांगूंगा कि साहब मैं असफल हुआ, या फिर मैं आपके दरवाजे पे ये कहने आऊंगा कि साहब आइए और अकादमी में कुछ कराइए। मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि इतने वरिष्ठ लोग यहाँ पर हैं, पिछले 2 दिन से अलग अलग मुद्दों पर विमर्श हुआ है, वहां किसी चीज की कमी नहीं, वहां केवल एकमात्र चीज की उसकी कमी है कि वहां लोग नहीं आते, उन संस्थाओं को लोग अपना नहीं मानते। और जिस तरह के, चूंकि मैं उनका हिस्सा हूं तो मैं उतने खुले रूप में नहीं कह सकता, पर मैं ये कहता हूं कि जब छोटी छोटी मांगों को लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे विमर्श होते हैं, बहुत सारे प्रतिवाद हो सकते हैं, बहुत सारे विरोध होते हैं, मुझे सर मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, आप सारे मेरे सीनियर हैं, उम्र में भी अनुभव है, मुझे बता दीजिए पिछले 3 साल में 5 साल में कोई 20 साहित्यकार सामने आए हों जो सीधे मुख्यमंत्री से, भाषा मंत्री से, राज्यपाल से मिलने गए हैं कि अकादमियां क्यों बनाई हैं। मैंने बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, इतने सीनियर लोग हैं, कैसे नहीं काम होगा सर? आखिर क्या वजह है कि हरियाणा जैसे स्टेट की अकादमियां ऐसी रन कर रही है कि कोई दिन कोई महीना चल जाता होगा जब कोई गतिविधि ना हो रही हो, और पूरे प्रदेश में घूम घूम के कार्यक्रम कर रही है, यमुनानगर से लेके और जींद तक कोई कोना ऐसा छुड़ा होगा अकादमियों ने जहाँ गाँव में कार्यक्रम ना होंगे। उत्तराखंड की अकादमी है केवल देहरादून में, और गौचर में जो अकादमी खुली है सर वो संस्कृति विभाग की खुली है, और वो एक नहीं 2 अकादमियां खुली है, एक अकादमी संस्कृति विभाग की खुली है जिसमें लोक भाषा लोक बोली भाषा संस्थान खुला है, ये संस्कृति विभाग के अधीन, और लोक बोली भाषा साहित्य अकादमी खुली है सरकार की भाषा विभाग के। तो मेरी बेहद विनम्र प्रार्थना है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा आप साहित्यकार के नाते, शब्दजीवी के नाते उन संस्थाओं पे अपना अधिकार तो जताइए, आपके बिना तो वो बांझ हैं और बांझ ही रहेंगी और हर चीज से गायब हो जाएंगी। और ये जो 100 रुपये मांगने की बात है, मैंने आते ही पहले दिन इस प्रतिवाद किया, 3 700 में से कोई पत्रिका निकली नहीं, मैंने आते ही कहा कि आप दे कुछ रहे नहीं और ऊपर से 100 रुपये और मांग ले, मैं शेखरदा से प्रार्थना करूँ या हायत सिंह से प्रार्थना करूँ सर एक लेख भेजिए, और फिर पत्रिका भेजने के नाम मैं कहूँ कि शेखरदा 100 रुपये का ड्राफ्ट भिजवा दीजिए तब पत्रिका मैं दूंगा। हाँ, तो सर मैं आपकी जगह आपकी जगह खड़े होकर सोचना चाह रहा हूँ, मेरा मार्गदर्शन भी कीजिए, मेरी मदद भी कीजिए, और आपकी आवाज सच में मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, आप सरकार भी नहीं हो रहे, 10 लोग आधी बात हो गई, आप जैसे दस लोग आएगी, मतलब चाहे यही रहे चाहे दूसरी आए सरकार तो आप जैसे 10 लोग एक बार खड़े हो जाएंगे ना सर, 10 लोग कह रहा हूँ
तो कोई मजा नहीं कि वो अपने अकादमी को टाड़ना पड़ जाए। मेरी बात इतनी गौर से सुनी गई, मुझे अपने पक्ष रखने का मौका दिया गया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।